एक्चुअली पोर्टो में और लगभग पुर्तगाल में कल्चर देखा यहाँ पे, जैसे इंडिया में साउथ इंडियन दुकान होते हैं, आप कुछ भी ऑर्डर करो बेकरीज में और फिर वो आपको ला के देते हैं, ये वाला चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। मैं हूँ पास्टेल दे नाता और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पास्टेल दे नाता कैसा है। सो ये कुछ ऐसा ही दिखता है पास्टेल दे नाता, बहुत अच्छा देखिए कलर है इसका और ये एक से भी बनता है। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले खा के तो देखता हूँ कैसे टेस्ट है। वाओ, बहुत ही टेस्टी है, आप जरूर ट्राई करना, ज़्यादा मीठा भी नहीं है लेकिन बहुत टेस्ट है। दिस इज विद एग ना, ना ही ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 1 यूरो का मिलता है, थोड़ा बहुत जो वाइन वाला है वो थोड़ा महंगा है और अच्छा है प्राइस। So दोस्तों मैं आज एक बहुत ही अच्छा पास्टेल दे नाता जो एक स्वीट है जो पुर्तगाल का है इस शॉप में हूँ, जिसका नाम है नातास डुओरो और इनके पास काफ़ी वैरायटी का पास्टेल दे नाता है, जैसे कि नॉर्मल पास्टेल दे नाता भी है, इनके पास लेमन भी है, ऑरेंज भी है और इनके पास पोर्ट वाइन वाला भी है। तो मुझे एक्चुअली ये जो शॉप है काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं आज सुबह यहाँ पर गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा और मुझे ये शॉप काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ के जो स्टाफ है वो काफ़ी फ्रेंडली है, पोर्तुगीज में बात करती हैं, अगर आपको इंग्लिश भी बात करती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसके कॉम्पोजिशंस के बारे में इनसे पूछने वाला हूँ कि कैसे ये बनता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये एक्चुअली। This is normal and this is orange. Lemon. Orange and lemon. Caipirinha Brasil. Okay. Caipirinha. Chocolate. This is chocolate. Porto wine. Linha do Porto. Ah, Porto wine. Ah, okay. Mm-hmm. Nice. And what is the cost of price? Called How much? Uno. 110. Okay. Different. One normal. 1 euro. Different. This is 1 euro. Yes. But if you buy with a package, 6-5 euros. Mix. Okay. Nice. And you make it here. Mm-hmm. Nice. Very good. तो ये मैं जो स्टोर में बात कर रहा था वो ये कह रही थी कि बेसिकली ये एक्चुअली पास्टेल दे नाता जो है ये एक्चुअली एक पफ पेस्ट्री है जिसमें कस्टर्ड टार्ट यूज़ होता है बेसिकली एक का, जो मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे पढ़ा क्योंकि मुझे कुछ वर्ड समझ में नहीं आए थे एक्चुअली जो ये बता रही थी मुझे। तो यहाँ पे कुछ जो शुगर है, पाउडर्ड शुगर और सिनेमन है वो दिया जाता है और धीरे धीरे एक्चुअली यहाँ से तो शुरू हुआ है लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इनफैक्ट मैं जब जर्मनी में होता हूँ ना तो काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं एक्चुअली। तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, आप लिस्बन में भी ट्राई कर सकते हैं, बेसिकली लिस्बन से ओरिजिन होता है जितना मुझे समझ में आया। और आजकल अपने US वगैरह में और जर्मनी में काफ़ी कंपनी जैसे KFC वगैरह वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा और आप घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसका रेसिपी हम आपको पूरा डिटेल में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्ट में बता देंगे आपको। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो को लाइक किए हैं और अपने दोस्तों तक मेरा मैसेज पहुँचाइए जिनको ट्रैवलिंग और फूड वगैरह पसंद है, और हम कोशिश करेंगे इस तरह के वीडियो और भी बनाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल किश ट्रैवल वर्ल्ड, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ सेम ID किश ट्रैवल वर्ल्ड। शुक्रिया और फिर मिलेंगे।